हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बिज़नेस ऐप के बारे में जिसका नाम है मीशो। तो मीशो एक ऐसा ऐप है जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा खुद को स्पॉन्सर कर रहा है, और एक ये ऐसा ऐप है कि आप फ़ोन से ही सारा डील करते हो। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए एक परफेक्ट थिंग है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये ऐप बनाया है। और इस तरीके से सारा फॉर्मेट है कि आप घर पे बैठे बैठे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप भी ऐसा होगा कि आप ही के लोग होंगे, ऐसे लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं ऐसे लोग होंगे, और आप उनका ग्रुप बनाने के बाद उन्हीं से शेयर करने वाले हैं प्रोडक्ट्स, और वही लोग आपके फर्स्ट बायर्स होंगे। तो इसी तरीके से सेलर का भी धंधा चलेगा, मीशो के ऐप वालों का भी चलेगा, और इसी बहाने हमें भी थोड़ी सी मार्जिन मिल जाएगी, ये बताया हुआ है। तो गाइस, इससे क्या होता है, आपकी जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बिगड़ते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो सामने वाला सोचता है कि अरे मेरी ही सिस्टर है, मेरी ही कज़िन है, मेरी ही सिस्टर है, मेरी ही कज़िन है, तो क्या करते हैं वो लोग, रख लेते हैं, रिटर्न नहीं कराते। और कुछ लोग होते हैं जो बार 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 रिटर्न कराते रहते हैं, जिसके वजह से आप उन्हें थोड़ा एक अनबन सा फील होता है। सामने नहीं होगा लेकिन आपके दिल में होगा कि भाई इस बंदे से तो मैं परेशान हो गया। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैंने भी कुछ एक साल पहले इसी तरीके से मीशो ऐप पे बिज़नेस स्टार्ट किया था। और गाइस, सीरियसली वो 6-7 महीने इतना प्रेशर होता दिमाग पे, इतना प्रेशर किसी और जॉब में नहीं होता। सो गाइस, आप ये जॉब कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स पता हो जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो गाइज़, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों को फेसबुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपने व्हाट्सएप से एक ही पर्सन को बार बार सेल नहीं कर सकते। आप एक बार खुद से ही सोचिए कि अगर उस ग्रुप में आप एज अ बायर हैं, ठीक है, सेलर नहीं है, या आपने ग्रुप नहीं बनाया है, आपको किसी ने ऐड किया है और सामने वाला बेच रहा है, आप क्या करोगे? एक महीने में एक चीज़ खरीदोगे, दो चीज़ खरीदोगे, चार खरीद लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना खरीदोगे? और तो नहीं खरीदोगे ना। तो एक ही इंसान को, एक ही बंदे को बार 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 हम कितना सेल कर सकते हैं? तो सोचिए हमारी बिजनेस कहाँ तक जाएगा, कोई ज़्यादा उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें फेसबुक पे जाना पड़ेगा, और फेसबुक पे क्या होता है, आप नए नए लोगों से, बहुत सारे लोगों से, फेसबुक वास्ट क्राउड एरिया है, तो आप वहाँ जाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ सेल कर सकते हो, और वहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप्स में ऐड होना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग ग्रुप्स में ऐड होना होगा, और उससे क्या होगा कि आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनके सामने अपने प्रोडक्ट्स रखोगे, और फिर क्या होगा, वो लोग आपसे ख़रीदेंगे, ठीक है। तो आपको मार्केट प्लेस पर जाना पड़ेगा, और मार्केट प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप अपने एड्स डाल सकते हो, अपने पोस्ट डाल सकते हो, और वहाँ से लोग फटाक से ख़रीदते हैं, ठीक है। लेकिन मास्टर प्लेस में क्या होता है, कई बार ना आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। आई डोंट नो वाई, मैं उस वो देखने के लिए नहीं गई, पर मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। उसके बाद से मैंने मीशो पूरी तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि 2-3 आईडीज मेरी ब्लॉक हो चुकी थी और मैं कंटाल गई थी। ओके, तो ये चीज़ अपार्ट है। अब आपको बताती हूँ, मैंने एक महीने में मास्टर प्लेस मैंने एकदम लास्ट में ज्वाइन किया था, तो उधर मुझे 6-7 हज़ार मेरी अर्निंग हुई थी। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से हम दिन भर मेहनत करते रहते हैं, रात को देर देर तक हम प्रोडक्ट्स को सर्व करते रहते हैं, उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो 6-7 महीनों में ये लास्ट मंथ की अर्निंग थी। बाकी अगर आप 5 महीनों की, 6 महीनों की देखोगे तो 1,000, 1,200, 700 कभी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप खुद प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीदने लगते हो ये सोच के कि हम टारगेट पूरा करें, टारगेट पूरा करें, हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, पर ये एक नॉनसेंस थिंग है, फालतू चीज़ है। सेकेंड थिंग, द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं मीशो से, आप देख सकते हैं, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई थी ये। तो गाइस, मैं इसका रिव्यू दूंगी बहुत जल्दी, एक वीडियो में डालने वाली हूँ, जिसमें मैंने पहले ये मंगाया था और इसके साथ में ये मंगाया था। तो ये तो ठीक है, मस्त प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो है ये टोटली बदल गया है, इतनी बकवास चीज़ है और ये डिफेक्टिव है। तो वो मैं उस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से डिफेक्टिव है।
इसके बाद मैंने मंगाया था ये कुछ आईलाइनर्स हैं जो कि शिमर में हैं और कलर्स में हैं। तो दो आईलाइनर ठीक है और तीन एकदम बकवास है, तो पैक ऑफ फाइव था, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली, क्योंकि दो के लिए मैं तीन ख़राब नहीं रखने वाली। इसके साथ मैंने मंगाया था ये, तो ये अच्छी चीज़ है, देख सकते हैं आपने, मैंने भी लगाया है। एक चीज़ ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आई डोंट नो वाई। मैंने पहले भी मंगाया है लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड आया है। मुझे लगता है सेलर दूसरा है शायद इसलिए। तो वैसे भी ये फर्स्ट या सेकंड थर्ड कॉपी होता है, ये रियल म्यूज़िक फ्लावर से नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी होती है, तो वो भी इसमें नहीं है और बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो आपके पास अलग अलग टेक्निक्स होंगे इसको सुखाने के, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा फिर भी। लेकिन दिस वन बहुत ज़्यादा पानी की तरह बह रहा है, तो मैं उस रिव्यू में बताने वाली हूँ। साथ में ये द वर्स्ट प्रोडक्ट, एक तो उसको चेंज किया है और उसके बाद ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। ये मैं रखने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका भी मैं रिव्यू डालने वाली हूँ बहुत जल्दी। ओके बाय।